दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने ओवरड्राफ्ट के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट कैसे मिलता है, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कितना लगता है तथा ओवरड्राफ्ट का कैसे यूज करते हैं। इन सभी के बारे में मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ओवरड्राफ्ट को यदि सरेंडर करना चाहें यानी क्लोज करना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट को हम दो तरीके से बनवाते हैं। पहला तरीका यह है कि यदि हमने कोई ऑनलाइन एफडी क्रिएट किया है तो अपने उस एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट बना सकते हैं और इसे हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि यदि मान लीजिए आपके पास एफडी नहीं है तो आप होम ब्रांच जाकर वहाँ से ओवरड्राफ्ट बनाते हैं और ओवरड्राफ्ट के सिक्योरिटी के लिए आपको बैंक को कुछ न कुछ देना पड़ता है, जैसे कि सोना, प्रॉपर्टी के कागज़, LIC बॉन्ड पेपर या शेयर के पेपर, यानी इस तरह का आप कोई भी चीज़ देते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट आपके खाते में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बना देती है, यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट हो जाता है। तो यदि आपने बैंक जाकर ओवरड्राफ्ट बनाया है तो आपको ओवरड्राफ्ट क्लोज करने के लिए बैंक ही जाना पड़ेगा, तभी आप अपने ओवरड्राफ्ट को क्लोज कर पाएंगे। और जो भी आपने ओवरड्राफ्ट का पैसा यूज किया है उतना पैसा तथा उस पर जो ब्याज लगेगा वो टोटल पैसा आपको बैंक को जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपने ओवरड्राफ्ट को सरेंडर कर पाएंगे यानी ओवरड्राफ्ट को पूरी तरह से क्लोज कर पाएंगे। ये तो हो गई बात ऑफलाइन की यानी अपने होम ब्रांच के जरिए। लेकिन मान लीजिए आपने ऑनलाइन योनो SBI एप्लीकेशन के जरिए अपने FD के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट बनाया है तो क्या हम अपने उस ओवरड्राफ्ट को ऑनलाइन क्लोज कर पाएंगे? तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं कि हमने जो ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट बनाया है उसे हम ऑनलाइन क्लोज कर पाएंगे या फिर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें MPIN डालकर लॉगिन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर योनो SBI एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ लिखा है अकाउंट्स, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो अकाउंट शो हो रहे हैं, पहला है सेविंग अकाउंट और दूसरा है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट के यहाँ साइड में जो एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट को क्लोज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कहीं भी क्लोज करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसे क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे माई डिपॉजिट में। ये हमारा FD अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो हमने अपने इसी FD के ऊपर ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम अपने इस FD के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। तो देखिए जब हमने ओवरड्राफ्ट क्रिएट नहीं किया था उससे पहले यहाँ जो लिखा है अवेलेबल ओवरड्राफ्ट ये हाईलाइट था, लेकिन अभी हाईलाइट ख़त्म हो गया है और बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है, यानी अभी हम यहाँ से इस FD के ऊपर ओवरड्राफ्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ओवरड्राफ्ट को क्लोज करने का भी ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि आप सोच रहे होंगे कि अपने इस FD अकाउंट को क्लोज कर देंगे तो आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हम अपने इस FD अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है क्लोज फिक्स डिपॉजिट, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हमने क्लोज फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ गया क्लोजर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर फिक्स डिपॉजिट विद लियन अमाउंट, यानी जब आप अपने FD के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद आप अपने FD अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके FD अकाउंट का मेच्योरिटी पूरा ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने अपने FD के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट क्रिएट किया है तो उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले क्लोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने ऑफलाइन यानी अपने होम ब्रांच जाकर अपने अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिया है तो उसे आप जब चाहें तब क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को कब और कैसे क्लोज कर सकते हैं और कौन से कंडीशन में क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।